चैप्टर का जिस्ट कई बार आया है, आपने ये बातें काफी बार सुनी है, बट आप इसे क्या कहेंगे आज इंस्टीट्यूशनल वे में बुक में पढ़ेंगे ना? बुक में तो अब आया ना, फेडरलिज्म के ऊपर टॉपिक पहले नहीं आया था, लेकिन ये कंसेप्ट आपने पहले कई बार ही पढ़ा है। मैं ऑलमोस्ट अपने हर लेक्चर में इसे यूज कर रहा हूँ। जब भी हम पावर की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, जब मैंने राज्यसभा की बात की है, तब तब मैंने इसका जिक्र किया है। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट। देखिए, आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 बुक का सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आज के दिनों में काफी चर्चा में रहा। अक्सर जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने की कोशिश की, तो आप न्यूज क्लिप्स देखते होंगे और न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, न्यूज पेपर्स में देखते होंगे कि कुछ स्टेट्स ऐसा कहते थे कि यह फेडरलिज्म के ऊपर अटैक है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है। ये एक चीज हुई। फिर गवर्नमेंट कई बार कुछ ऐसी लॉज लेकर के आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कुछ ऐसा पुलिस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से फिर स्टेट कहते हैं कि ये नहीं बननी चाहिए, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है। फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया जाता है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, जहां पे काफी ट्रबल रहता है, इसको लेके भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं ये कि फेडरलिज्म पे अटैक है। कुल मिलाकर के ये फेडरलिज्म पे अटैक है क्या है, और ये क्यों इतनी बुरी चीज है? मतलब वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको किस चीज ने ये राइट दिया है कि वो ये कह सकें कि ये फेडरलिज्म पे अटैक है? और अगर ये फेडरलिज्म पर अटैक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पावर है जो ये करने से रोकता है? और फिर फेडरलिज्म असल में कॉन्स्टिट्यूशन में जगह क्या रखता है? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो फेडरलिज्म पे अटैक है, तो उसका कोई बिगाड़ क्या लेगा? बिगाड़ेगी जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे कहीं ना कहीं मैच करके देखेगी, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड व्हाई दिस इज द कोर, व्हाई दिस इज बेसिक? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप उसको कितना भी डेकोरेट कर सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं, आप किसी भी लेवल पर उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द चेसी स्केलेटन, द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप जो गाड़ी बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, कार में आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एक्सटर्नली, आप उसका कलर है, पेंट है, बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चेसी होती है, जैसे हम स्केलेटन कहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना कार ही बदल जाएगी। हम चेसी ही चेंज करते हैं ना, तो गाड़ी बदल जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखते हैं गाड़ी का नंबर, बाकी नंबर कोई नहीं, चेसी नंबर इंपॉर्टेंट, चेसीज नंबर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुल मिलाकर के इसी तरह से संविधान की चेसी होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, और उस चेसी का एक एलिमेंट, यानी कि उस मेटल का एक एलिमेंट, ये फेडरलिज्म भी है। फेडरलिज्म हमने कल पावर शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया था कि पावर शेयरिंग करने के लिए हमें फेडरलिज्म अपनाना होगा। क्यों? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जब हमने सेंटर से स्टेट और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड की, तो हमने इसके बारे में समझा। चलिए आज हम इसको एक लार्जर एस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि कभी भी कोई एमसीक्यूज आए तो आपके कभी गलत ना हो, ठीक है? किसी भी वे में आप दिमाग लगाएं, इसको स्टॉप करिए। अब आज जो हम चैप्टर, बहुत सी चीजें आपको सिखाएगा, ठीक है सिमरन? क्या सिखाएगा? आप कभी भी अपना फेडरलिज्म क्रिएट करके दे दोगे किसी को भी। एक होती है फेडरलिज्म की डेफिनेशन और थ्योरी, ये बहुत डिफिकल्ट है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट। संघवाद क्या होता है, इसे याद करना, समझना, बंदा हमेशा सोच रहे थे क्या यार फेडरलिज्म, क्या ही बोलते रहते हैं हर टाइम फेडरलिज्म, बट जब आप पहले उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और फिर फेडरलिज्म पढ़ लेंगे, तो फिर आपको फील हो जाएगा कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई फेडरलिज्म इज रिक्वायर्ड। डन है जी? फेडरलिज्म के इसी कंसेप्ट के साथ अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, तो उसमें ये चीज निकल करके आई कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, और उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे वन एंड द सेम थिंग, ये सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एक्चुअली में कर क्या रही है, ये कुछ
एक्टिविटीज हैं जिन्हें परफॉर्म कर रही है। कोई भी एक्टिविटी किसी तरह का मैटर या एग्जिस्टेंस नहीं रखती है अगर उसके पीछे कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स ना हो, बल ना हो, पावर ना हो, और ये पावर हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहेगी अगर ये रेगुलेटेड ना हो और ये रेलेवेंट ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इसे रेगुलेटेड और रेलेवेंट हम तभी बना सकते हैं जब इसे हम शेयर करेंगे। शेयर इन द सेंस कि जिनके ऊपर नियम लागू किए जा रहे हैं उनको भी यह अधिकार दिया जाएगा कि आपके लिए नियम कैसा बनाया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए, नियम लागू करने के लिए उनकी सहजता को देखा जाए कि ये नियम लागू करने के लिए ने कितने का दिन दिए जाए, कितना का टाइम दिए जाए। नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया तो ऐसा बोला कि कल तक सारे नोट जमा हो जाने चाहिए, 3 डेट्स दी, एक्सटेंडेड डेट्स। तो नियम पहले तो लागू करना है विद द कंसल्टेशन, सेकेंड एस्पेक्ट इज कि नियम लागू करना है उनकी एडेप्टेबिलिटी को देखते हुए, और तीसरा नियम लागू करना है कि किसी भी सेक्शन के लिए डेट्रीमेंटल ना हो। ये सारी चीजों में हमने क्या किया, जो हमारी नियम बनाने की, नियम लागू करने की और जो नियम का नेचर डिसाइड करने की पावर थी वो किसी और के साथ शेयर की है, तभी तो वो हमारी पावर उस सेक्शन के लिए क्या हुई, रेलेवेंट, क्योंकि हमने इस पावर को उस सेक्शन से कंसल्ट करके क्या किया, रेगुलेट। तो पावर जब तक रेगुलेटेड और रेलेवेंट नहीं होगी तब तक वो यूजफुल नहीं होगी किसी के लिए भी, और इसको हम रेगुलेटेड और रेलेवेंट बना सकते हैं अगर इसे हम शेयर करें, और ये पावर शेयर करने का प्रोसेस है कहीं ना कहीं फेडरलिज्म। तो पावर शेयरिंग का एक अपरेटस है, दैट इज फेडरलिज्म। तो किस तरह की नेचर ऑफ गवर्नमेंट होगी, इट इज अ फेडरल नेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या है वर्ल्ड लेवल का सिनेरियो। देखिए अगर आप वर्ल्ड लेवल पर एक्सप्लोर करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, लार्ज कंट्रीज, ये सभी फेडरल होती हैं ऑलमोस्ट। और इस समय अगर आप देखें तो बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो फेडरल हैं, ऑलमोस्ट सभी टोटल कंट्रीज में से जस्ट 25-27 कंट्रीज दे आर फेडरल, बट 40-45% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द फेडरल कंट्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ। सेकेंड अगर हम देखें तो इन बड़ी कंट्रियों में भी बहुत सी कंट्री हैं जो भी फेडरल नहीं है, जैसे चाइना, चाइना इज नॉट फेडरल। तो अक्सर चाइना पे उंगली उठती है ना कि शायद वो थोड़ी नॉन डेमोक्रेटिक भी है, कम डेमोक्रेटिक है। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम देखें, इंडिया भी फेडरल है और अमेरिका भी फेडरल है, तो फेडरलिज्म भी कंट्री वाइज चेंज होता रहता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी कि फेडरलिज्म को आप यूनिफॉर्मिटी में अपना नहीं सकते। हर कंट्री की अपनी लोकल पॉलिटिकल सोशल कल्चरल कंडीशंस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म को कन्वर्ट करते हैं। दो तरह के फेडरलिज्म आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक वो फेडरलिज्म होंगे जो काफी फ्लेक्सिबल होंगे और एक वो जो काफी रिजिड होंगे। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, अगर आप बात करेंगे अमेरिका की तो अमेरिका बहुत ही रिजिड फ्लेक्सिबल है, रिजिड फेडरलिज्म है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो ये थोड़ा सेमी फ्लेक्सिबल सा या सेमी रिजिड सा फेडरलिज्म है। अगर आप यूरोप ब्रिटेन की बात करेंगे तो आपको वो बहुत अधिक फ्लेक्सिबल नजर आएगा। इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, इन बिटवीन है, और उसके कई सारे रीजंस हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म के एस्पेक्ट्स, अलग अलग और डिफरेंट। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि हमने ये पढ़ा था कि फेडरलिज्म तब होगा जब वर्टिकल डिवीजन होगी। तो यहां से ये तो क्लियर होता है कि एक से ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतना गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन इतने तक ही बात खत्म में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम फेडरलिज्म की फॉर्म्स को स्टडी करेंगे तो हमारे सामने दो चीजें आएंगी, दो तरह के आपको फेडरलिज्म दिखेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इन दोनों का डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड फेडरलिज्म यूटिलाइज नहीं किया गया, कहीं पर भी फेडरलिज्म वर्ड नहीं है। इंडिया में यही कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इंडिया स्टेट्स का एक यूनियन है,
तो इसी लाइन को समझना पड़ेगा। यूनियन तो है, दैट इज वेरी करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात तो की है सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक वर्ड यूज कर लिया है स्टेट्स, ठीक है, यानी कि प्रोविंसेस का जिक्र भी आ रहा है कहीं ना कहीं। चलिए इसको समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे समझाना चाहता है इस बात को। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, क्या मीनिंग है इस बात का? जब हम कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को स्टडी करते हैं तो उसमें दो चीजें समझ आती हैं। क्या? कई बार क्या होता है कि देर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी इकोनॉमी को बेटर वे में रेगुलेट करने के लिए, अपनी सोसाइटी को बेटर वे में कंसोलिडेट करने के लिए, और अपनी पॉलिटी को यानी कि डिफेंस फोर्सेस और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपस में एकजुट हो जाते हैं। यानी कि ध्यान से नोटिस करिएगा, सपोज कीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ये देयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और इन सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया कि हम सभी को आपस में जुड़ना है और ये सभी आपस में अब जुड़ जाएंगे। डन है जी? जब ये सभी एक अग्रीमेंट के तहत आपस में जुड़ जाएंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो इनकी इस बॉर्डर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो स्टेट्स के जुड़ने की वजह से हमें एक लार्जर एंटिटी नजर आ गई, वो है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन, ओ माय गॉड, स्टार्ट करो। तो अगर हम यहां पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म ऐसे हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये था पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये था उस टाइम पे पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, और इसमें नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स हुआ करते थे। अब इस पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, जिसको उस टाइम पे अमेरिका ही कहते थे, इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ पूरे स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स इकट्ठे आकर के एक फेडरेशन को जन्म दे रहे हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर स्टेट्स को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया, ठीक है जी, कि उन स्टेट्स में से ये स्टेट्स। और इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जिस्टेंस ही इस वजह से है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्होंने आपस में अग्रीमेंट करके आपस में साथ आने की प्रतिज्ञा ली है, प्रॉमिस किया है, तो कितने स्ट्रांग होंगे ये स्टेट्स आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज अ हाई लेवल फेडरेशन इन विच स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर इज समवेयर वीक, सेंटर इज वीक बट द स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्टेट्स का अग्रीमेंट है और इसका जन्म हुआ है अपने स्टेट्स के अग्रीमेंट की वजह से, उन्होंने क्लोज आने की बात की तो दे आर कमिंग टूगेदर, ये एक साथ आए हैं, इसलिए वहां के फ्लैग पे 50 स्टार्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए वहां पे रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि स्टेट का साइज और पॉपुलेशन का साइज नहीं देखा जाता, हर स्टेट से वहां की सीनेट में दो सीनेटर आने मैंडेटरी हैं। यानी कि वहां पे जो सीनेट, हाउस ऑफ सीनेट है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है नीचे वाला, और इसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, एक अपर हाउस है जिसे हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं, उसमें 100 मेंबर आपको नजर आएंगे। फ्रॉम एवरी सीनेट देयर इज 2 सीनेटर। अब वो छोटा सा सीनेट है चाहे बहुत बड़ा सा सीनेट है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्टेट्स, यहां से क्या साबित हुआ कि स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी स्टेट वेदर इट इज स्मॉल और इट इज लार्ज, वेदर इट इज पॉपुलस पॉपुलस और नॉन पॉपुलस, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एज मच इंपॉर्टेंट एज द अदर स्टेट्स। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें इसलिए बोली कि अभी आगे थ्योरी में यही है, माने स्टेट्स स्टेट्स में भेद नहीं हो सकता, सभी स्टेट्स की पावर कॉमन होगी, सभी स्टेट की इंपॉर्टेंस सेंटर में कॉमन होगी, सभी स्टेट्स की जुडिशरी में और कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस सेम होगी, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, नो प्रिविलेज्ड स्टेट्स, नो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स, नथिंग। ये कब होता है? जब कमिंग टुगेदर होता है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लाइक स्विट्जरलैंड। ओके, आगे बढ़े हम, इसके उल्टा भी कुछ होता है। चलो अब थोड़ा इमेजिन करते हैं व्हाट इज द केस विद इंडिया, ठीक है, तो इंडिया केस क्या है? सपोज कीजिए कि ये इंडिया है। डन है जी? सपोज किया हमने।
अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर वे में रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जन्म देती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को जन्म देती हैं, यानी कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने अंदर से नई यूनिट्स कार्व आउट करती बनाती। माने सपोज कीजिए दिस इज इंडिया, तो लुक एट दिस, बाउंड्री इज नॉट इमर्जिंग, बाउंड्री इज नॉट इवॉल्विंग, बाउंड्री आउटलाइन टेरिटरी इज देयर, टेरिटरी इज ऑलरेडी देयर, बट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेरिटरी इज इमर्जिंग। व्हेन स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टेरिटरी इज इमर्जिंग, इन इंडिया टेरिटरी इज ऑलरेडी देयर, टेरिटरी इज ऑलरेडी देयर, इट इज नॉट इमर्जिंग। डन। तो इससे मेरा मतलब क्या है, ये मैंने क्यों कही ये लाइन, अभी इंडिया अपनी फंक्शनिंग को बेटर बनाने के लिए अब यहां पर अपनी इसी टेरिटरी के अंदर अंदर कुछ नई टेरिटरीज बना देगा, ये बने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये बने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। लेकिन लेकिन होल्ड ऑन, तो ये जो स्टेट है इस स्टेट के पास इंडिया की एक्सटर्नल टेरिटरी भी है ना, इस टेरिटरी पे इस स्टेट का हक नहीं है, क्योंकि इंडिया वाज देयर, इसका जन्म लेटर हुआ है, लेकिन यहां पे इस स्टेट का इस टेरिटरी पे हक है, लेकिन यहां पे इस टेरिटरी पे स्टेट का हक नहीं है। तो एक्सटर्नल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज टेरिटरीज आर विद द सेंटर, ओके, सेंटर इज द डिफेंडर और द प्रोटेक्टर ऑफ द टेरिटरीज, दैट्स व्हाई देयर आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, देयर आर डिफेंस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो क्या गुजरात बोल देगा कि मेरा स्टेट है, बॉर्डर बॉर्डर पे बीएसएफ हटा लो, चलो 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 हटाओ, नहीं। फिर उसे समझाएंगे, बच्चू जरा ये जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर तू है, बैठ आराम कर चैन ले, लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना। जैसे राजस्थान में एक छोटा सा गांव पोखरण, अब वहां पर कुछ करना है अटल बिहारी वाजपेयी को, और राजस्थान कह रहा है कि अच्छा कुछ नहीं करना, पॉल्यूशन बहुत होगा इससे और इससे काफी लोगों को हार्म होगा, कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं तुम करना, तुम ना प्लीज जाओ। तो फिर तो हो गया, इंडिया में कहीं भी टेस्ट नहीं हो पाएगा, फिर तो कर लिया हमने काम। ऐसे तो लड़ाई लगी है पाकिस्तान से, और पंजाब से रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन पंजाब वालों ने बोला कि हम अपना लैंड नहीं देंगे तुम्हें, तुम ना जम्मू से जाके रॉकेट लॉन्च कर लो। फिर तो हो गई हमारी लड़ाइयां, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल, इतनी भी तुम्हें आजादियां नहीं है, ठीक है, समझ रही बात। तो कुल मिलाकर के इंडिया की टेरिटरी तो थी, उसके भीतर ये क्रिएट हुए हैं स्टेट्स। डन है जी। तो देखा आपने, पहले 14 स्टेट थे, आज बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 29 स्टेट्स। ये और भी बढ़ सकते हैं, ये घट भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है दो छोट छोट राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया जाए, हो सकता है गोवा को महाराष्ट्र से जोड़ दिया जाए और गोवा महाराष्ट्र दो की जगह एक ही हो जाए, हो सकता है महाराष्ट्र से साउथ का विदर्भ का इलाका अलग करके एक नया विदर्भ स्टेट बन जाए, हो सकता है यूपी से ईस्टर्न यूपी अलग करके या वेस्टर्न यूपी अलग करके हरित प्रदेश बना दिया जाए, है ना, मराठवाड़ा बना दिया जाए, नए नए स्टेट्स की डिमांड आ रही है ना, हो सकता है बोडोलैंड बना दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में, कुछ भी हो सकता है, ये बन भी सकते हैं ये कम भी हो सकते हैं, ये निर्भर करता है किस पर, इस समय देश के केंद्र पे, सरकार पे, सेंटर पे। लेकिन अब ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस थी, इसमें टोटली स्टेट्स कमिंग टुगेदर आकर के ये फेडरलिज्म को जन्म दे रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें सेंटर ने, यूनियन ने सभी के सभी स्टेट्स को टुगेदर होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ये होल्डिंग टुगेदर है, इंडिया कहीं बीच में है। मतलब यहां पर जो सेकेंड केस में मैंने आपको इंडिया केस में स्टेट्स बताए, दे आर टोटली ऑन द मर्सी ऑफ द सेंटर, दे आर टोटली ऑन द मर्सी ऑफ द सेंटर, मतलब इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिट के तौर पे देखा जाएगा, पहली बात। दूसरा, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स मिलेंगी। तीसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबोर्डिनेट्स हैं।
क्या मीनिंग है तीन लाइनों का? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट्स हैं, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का से पावर मिलेंगी और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे रहना होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो इन्हें काम देगी, चाहेगी तो इन्हें काम नहीं देगी। मतलब जब चाहे तो वो इन्हें कोई ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करे, जब चाहे वो इन्हें ज्यूरिसडिक्शन ना प्रोवाइड करे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें रेवेन्यूज दे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें रेवेन्यूज ना दे, पैसा दे पैसा ना दे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो काम पूरा हो गया तो खत्म कर दे। सब कुछ कितना डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं फेडरलिज्म है, लेकिन टोटली इन द फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेशन। तो फिर इसको हम फेडरलिज्म नहीं कहेंगे। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ यूनिट्स क्रिएट किए हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज अ यूनिटरी सिस्टम, इट इज अ यूनिटरी सिस्टम। फेडरलिज्म और यूनिटरी में फर्क पता लग गया? यूनिटरी सिस्टम मैंने यूनिट मैंने सिंगल गवर्नमेंट दैट इज सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लिए कंट्री में। जैसे अकबर के समय में अकबर ने भारत को 15 प्रोविंसों में डिवाइड किया था और हर प्रोविंस में क्या बिठाया था? वायसराय, गवर्नर। लेकिन पूरा का पूरा भारतवर्ष उस समय अकबर के अंदर था और वे जो वायसराय थे वो टोटली किसके अंडर थे? अकबर के अंडर थे। यानी कि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट शक्तियां नहीं थी। लेकिन इसके विरुद्ध अगर हम देखें आने वाले समय में, तो हमने देखा जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो जितने भी गवर्नर बनाए गए थे कभी अकबर के समय में, औरंगजेब की डेथ के बाद वो सभी गवर्नरों ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए। बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, सारे इंडिपेंडेंट हो गए और सेंटर में बैठा मुगल राजा वो तुच्छ सा हो गया था, कुछ भी नहीं बचा, कोई उसकी सुनता नहीं था, क्योंकि ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। तो वो फेडरेशन बन गई, फेडरल हो गया पूरा। इनके बीच का अरेंजमेंट है वो इंडिया में, वो क्या है स्टडी करते हैं। ये दो बातें समझ में आई हैं, यूनिटरी और फेडरलिज्म का फर्क समझ आया? फेडरलिज्म में देयर इज अ हाई लेवल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इन द यूनिटरी सिस्टम पावर्स आर हाईली कंसंट्रेटेड विद द सेंटर, विद द यूनियन, विद वन सेंट्रल पावर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। इन द यूनिटरी सिस्टम देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, देयर इज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। नॉट डिवीजन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। सेंटर कैन डेवोल्यूट द पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द सेक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी। नथिंग इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन नहीं है सेंटर पे कोई भी। एवरीथिंग इज ऑन द विश ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई बात समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ी कंट्रियों में फेडरलिज्म होता है। यू कैन से बेल्जियम छोटी कंट्री, सेंटर ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट एंड द ब्रुसेल सिटी गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट ना। कल ही पढ़ा तो क्या हमने देखा कि पावर शेयरिंग करके उन्होंने एक कंफ्लिक्ट को टाल लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटीमेंट्स को एड्रेस कर दिया डाइवर्सिटी के और इंपॉर्टेंस दी सिटी को भी। लेकिन इसके अलावा हमने देखा श्रीलंका में एक तमिलियन ग्रुप था, वो क्या डिमांड कर रहा था। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, एक कंट्री होती है। अब बात करते हैं एक्चुअल में इंडिया की। एक कंट्री होती है, ऐसा इंडिया नहीं है, एक कंट्री होती है, उस कंट्री में नेचुरली एक कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है। अब अगर वो मेजोरिटी कम्युनिटी मेजोरिटेरियनिज्म करेगी तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है माइनॉरिटी के पास, कि आप उसी कंट्री में हैं लेकिन आप अपने उस स्टेट को एक सेपरेट ब्लॉक में कन्वर्ट करा ले। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। तो जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े वर्ग को हुर्रियत, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हम सेपरेटिस्ट कहते हैं ना, बिकॉज वो क्या मांगते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि हमारी प्रोविंस को क्या कर दो? ऑटोनॉमस। तो उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है आर्टिकल 370 में, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, केंद्र के कानून वहां पे लागू नहीं होते। लेकिन अब वो इसलिए केंद्र सरकार हुर्रियत को अब गलत बोलती है क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से आगे बढ़ के अब एक नए स्टेप पे चले गए, वो सेपरेटिज्म, कि इंडिया से सेपरेट ही करो, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ेगा। ये होते हैं सेपरेटिस्ट। जैसे एक टाइम पर पंजाब में मूवमेंट शुरू हुआ था खालिस्तान, शुरुआत हुई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र, लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था कि केंद्र सिर्फ चार मुद्दों पर काम करेगा, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स,
करेंसी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, दैट्स इट, बाकी सारा हम डिसाइड करेंगे। लेकिन एक टाइम पे एक्सीड कर गई थी किसमें, खालिस्तान में, कि हमें अलग ही है, टोटली डिफरेंट, अलग करिए, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपना सब देखेंगे, आप पर, आप हम पर होल्ड नहीं करेंगे, मैं सोवरेन स्टेट बनाकर दीजिए, हमारी सोवरेनिटी होगी। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अब हुआ क्या, जब भी मेजोरिटी रूलिंग कंट्री में माइनॉरिटी के एड्रेस को, माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट्स को और इंटरेस्ट को अकोमोडेट ना किया जाए, तो वो दो चीजों की डिमांड करते हैं। इनिशियली तो वो प्रोविंस में ऑटोनॉमी मांगते हैं कि एटलीस्ट केंद्र के नियम हम पर लागू ना हो और हम अपने कस्टम, कल्चर, मैनर, लैंग्वेज और सोसाइटी को आगे प्रमोट और ग्रोथ करा सकें, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मानी जाती है। अगर ये नहीं हो रहा तो एक स्टेप आगे चलता है, फिर आप वायलेंट होते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटी होती है, फिर आप सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज अपनाते हैं और सेपरेटिज्म को फॉलो करते हैं, अलग ही होना चाहते हैं वहां से, क्योंकि उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपकी एक्सप्रेशंस तो एक्सप्रेस ही नहीं हो रही, आप तो फिर कभी ग्रो ही नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर के अब इंडिया ने फिर इसका तोड़ क्या निकला है, सुनिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो हमेशा आप लाइफ में कंफ्यूज ही करते रहेंगे। देखिए, इंडिया में क्या है, सबसे पहले याद रखना है, इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म, यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म का ब्लेंड है, ऑलमोस्ट 50-50, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कॉसी फेडरल। किस वे में यह होता है, अब फेडरलिज्म की चर्चा कहीं पर नहीं की है लेकिन फिर भी फेडरलिज्म है, वो कैसे हुआ इसको समझते हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें गिवन है जिन बातों से हमें ऐसा लगता है कि इंडिया शायद फेडरल है और इसलिए फेडरलिज्म इंटैक्ट है। सबसे पहली बात कौन सी गिवन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहला नाम आता है इंडिया का, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, और इंडिया के दो नाम है संविधान के अंदर, इंडिया दैट इज भारत, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और पता नहीं क्या क्या नाम जो लेते हैं इंडिया के, दो ही नाम है, इंडिया एंड भारत, क्लियर है बात। अब कुल मिलाकर के जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें कुछ चीजें आती हैं, क्या आती हैं, तब तक आप फेडरलिज्म को अचीव नहीं कर सकते जब तक जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उन यूनिट्स की एरिया और ज्यूरिसडिक्शन को हमने डिमार्केट ना किया गया, एरिया को और ज्यूरिसडिक्शन को डिमार्केट ना किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो यूनिट्स की बात की है ऐसा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जिसमें यूनियन होगी यानी कि सेंटर, और सेंटर ऑलमोस्ट नेशनल एंड कॉमन इंटरेस्ट की चीजों से डील करेगा। ये नेशनल एंड कॉमन इंटरेस्ट की चीजें क्या हो सकती है, जैसे डिफेंस सेंटर हैंडल करेगा, करेंसी को भी सेंटर हैंडल करेगा, कम्युनिकेशन को भी सेंटर हैंडल करेगा, फॉरेन अफेयर्स को, बैंकिंग सेक्टर को, ये पांच रोल हैं जो डायरेक्टली प्ले करेगा सेंटर। इसके अलावा सेंटर पूरी कंट्री को इंटीग्रेट करके रखने का काम करेगा। अब ये जो इंटीग्रेट करके रखने की पावर है इसमें फिर बहुत कुछ निकल करके आता है, यानी कि सेंटर कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि डायवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाए, डायवर्सिटी को एड्रेस किया जाए, लेकिन यूनिटी मेंटेन करना भी सेंटर की जिम्मेदारी है, और जब भी वो डायवर्सिटी यूनिटी को ब्रेच करने आएगी तो सेंटर बहुत पावरफुल हो जाएगा। जब भी वो डायवर्सिटी यूनिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगी सेंटर विल बिकम और पावरफुल, और ये कैसे करना है फिर उसको, ऑलमोस्ट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर लेवल पर डायवर्सिटी को एड्रेस करते हुए इसमें एक यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी भी लेके आनी, ठीक है, मैंने ध्यान से नोटिस करिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्टेट बनेंगे इंडिया के अंदर वो स्टेट इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि जो कॉमन और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं 100% बात यह है कि उनके ऊपर एक यूनिफॉर्म रूल रेगुलेशन चाहिए, लेकिन इसके बाद हर डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटी की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद उनके कस्टम, कल्चर, मैनर बदल जाएंगे, एरिया बदलते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदलते ही, तो उनके इंटरेस्ट को सर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए उनकी अपनी एक गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब उनकी गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उनके यूनिट बनाने की बात कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट तो उस केस में भी थी जो केस मैंने पहले समझाया यूनिटरी वाला, उसमें भी सेंटर ने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन यहां पर टोटली डिफरेंट है, यहां पर सेंटर नहीं है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बना रहा है, डिफरेंस समझ में आया, यानी कि राज्य सरकारों का जन्म केंद्र सरकार नहीं कर रही है,
राज्य सरकारों का जन्म संविधान से हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र का जन्म भी संविधान से हो रहा है। दोनों एक ही मां से एक ही बार में जन्मे हैं, मान लो ऐसा है। ये नहीं है कि पहले एक बच्चा जन्मा उसने दूसरे को जन्म दिया। यानी कि सोर्स ऑफ पावर स्टेट का और सेंटर का दोनों किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्टेट का सोर्स ऑफ पावर सेंटर के पास नहीं है, स्टेट को सेंटर से पावर नहीं मिल रही है, स्टेट और सेंटर दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रही है। सो कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। वो आई विल प्रूव जब चंगीतरा बंद कर। कैसे प्रूव होता है? तो इसमें कैसे ये प्रूव हुआ, क्योंकि कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स की बात की गई है। पहले तो ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस का प्रोसीजर है पूरा, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है पूरा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नायाब है कि केंद्र में चाहे जितने भी प्रचंड बहुमत की सरकारें आती रही थी, और हो सकता है राज्यों में भी उन्हीं की सरकारें थी, केंद्र में भी राज्यों में भी इंदिरा गांधी दौर, लेकिन फिर भी मजबूरी में राज्य में सरकारें बनानी पड़ी, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दो चैप्टर अलग से गिवन है, दो पार्ट अलग से गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट और गवर्नर अलग से गिवन है, पीएम और सीएम अलग से गिवन है, और ये पहले से ही है, ये बाद में नहीं हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। अब कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जब वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो उसको कुछ उसने इस वे में बात किया है कि जैसे ट्रेड है, पंजाब खेती प्रधान है, छत्तीसगढ़ मिनरल प्रधान है, झारखंड नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन्स में हाइड्रो पावर है, ठीक है, साउथ इंडिया में स्पाइसेस है। तो आपकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट बदलने से तो व्यापार भी बदलता है ना, तो ये तो लोकल ही होगा। तो ट्रेड का कॉमर्स का इशू स्टेट हैंडल करे, सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट डन। एग्रीकल्चर तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि उसके स्टेट में कैसा सॉइल है, कैसा एग्रो क्लाइमेट रीजन, क्या एग्रीकल्चर भी वही डिसाइड करता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा इरीगेशन वही करे। ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है। अब ये सारी एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, किसी एरिया में कुछ हो रहा है, तो अब छत्तीसगढ़ झारखंड में माइनिंग है, तो माइनिंग है तो माइनिंग में माइनिंग माफिया, उनको हैंडल करने के लिए उस तरह का स्टाफ, उस तरह की पुलिस। फिर पंजाब एग्रीकल्चर रीजन है, तो पंजाब में एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यू, जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन छुड़ा लिया, जमीन हैंडल, यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम, यहाँ पे इस तरह की पुलिस। तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस शुड बी स्टेट सब्जेक्ट। तो पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इसे स्टेट सब्जेक्ट बोला है। मतलब लुक एट दिस, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म दिया गवर्नमेंट को, स्टेट यूनिट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेट गवर्नमेंट का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डिमार्केट कर दिया। दे आर नॉट ऑन द मर्सी ऑफ द सेंटर। कितना बड़ा पैराडॉक्स होता कि स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, लेकिन एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, प्रभाव क्षेत्र, कर्म क्षेत्र नहीं बता के गया। तो फिर केंद्र कैसे करता, ड्यूटियां डिवाइड करता। अच्छा, जम्मू वाले, पंजाब वाले ये करेंगे, पंजाब वाले सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मामले में पॉलिसियां बनाएंगे, बाकी सारियां मैं बनाऊंगा, है ना। और हरियाणा में हमारी सरकार है तो हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की है तो कांग्रेस को तो खत्म ही कर देंगे, एजुकेशन का मुद्दा भी ले लिया हमने उनसे, सब हम डिसाइड करेंगे। और अगर ऐसा कर लिया, केंद्र में सरकार बीजेपी की, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की, अब ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन की पॉलिसियां बीजेपी बना रही है, और सारा कावेरी का पानी उठा के दे दिया तमिलनाडु को, तो 5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के लोगों द्वारा चुनी गई है, कर्नाटक के लोगों को ही रक्षा नहीं दे पा रही है, तो कर्नाटक के लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां से मिलेगा? वो क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि उनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सेंटर डिसाइड कर रहा था, सेंटर ने सारा एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन खा लिया। क्या कहेगी बाकी राज्य सरकार? तो वहां के लोग यही कहेंगे ना राज्य सरकार को कि तुम भाड़ में जाओ, केंद्र ही आ जाए यहाँ पे भी, तो वो लोग फिर किस गवर्नमेंट को चुनेंगे? वो हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि उसी को चुनो जिसकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, किसको चुनो जिसकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, बस बात खत्म। कहानी सारा ताना बाना ही त्रस्त हो जाना था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किसमें गिवन है? स्टेट लिस्ट, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में घुटी हुई है, उसे कुछ छू नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो दैट इज द एस्पेक्ट। इसके अलावा सेंटर के भी एरिया बताए गए हैं, मैंने जो अभी आपको सारे बताए। अब सेंटर के ये एरिया क्यों बताए गए हैं, इसको समझिए, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट को समझते हैं। अब सेंटर के कुछ इश्यूज अगर डिसाइड ना किए जाते, मान लीजिए जैसे क्या है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी। अब कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है बेटा? बहुत कुछ आता है।
कम्युनिकेशन में हम तो सिर्फ फोन देखते हैं, कम्युनिकेशन में सारा रोडवेज रेलवेज एवरीथिंग है ना। अब हमारे जो सेंटर है देश का एक नायाब कंसेप्ट है, कहने को सारा देश केंद्र का है, कहने को एक इंच जगह भी नहीं है, कहने को तो सारा देश ही केंद्र का, कहने को तो जहां बैठी है दिल्ली में वो भी केजरीवाल की है, दिल्ली में दिल्ली सरकार है, केंद्र किधर है फिर? अगर गिनने पे आओ तो बस थोड़ी सी जगह ही है वो यूनियन टेरिटरियों वाली, वो पुडुचेरी, वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, और थोड़ा दिल्ली भी, लेकिन पूरा इंडिया है केंद्र का। वो कब? जब एक्सीजेंसीज आएंगी, जब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी ना, तो एक सेकंड में पूरा इंडिया केंद्र का ही हो जाएगा। दैट इज एमरजेंसी कंडीशंस, यानी कि वॉर लगेगी अगर। अब वॉर लगी हुई है और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी तक सारे स्टेटों ने आपस में हाथ मिला लिया है कि हम अपनी सड़कें नहीं इस्तेमाल करने देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, रेलवे फौजी खड़े हैं बिहार में, पहुंच ही नहीं पा रहे जम्मू बॉर्डर तक, इतने में तो पाकिस्तान खत्म करके चला जाएगा। तो वॉर लगते ही क्या लग जाएगी? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352-56। इमरजेंसी लगी है, कुछ कोई राज्य नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अब चारों तरफ कौन दौड़ेगा? केंद्र, हर तरफ वही दौड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी लगती ना, 62 में लगी, 65 में लगी, 71 में लगी इमरजेंसी लगी। ऐसे में इंदिरा गांधी को अचानक कोई जरूरत पड़ती और एक राज्य सरकार वाले कहते नहीं मैडम सॉरी, है ना, सेना मूव करनी है, सड़कें बंद कर दी। दूसरी बात, चलो लड़ाई भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये गुजरात वालों को बड़ी प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा के बीच में व्यापार बहुत होता है और रास्ते में हमारी सड़कें यूज करके निकल लेते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा करते हैं, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सारी सड़कें एक्सटर्नल लोगों के लिए ब्लॉक, हमारे ही राज्य वाले बस घूमेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन केंद्र के हाथ में है और केंद्र निर्बाध वाहन चले और ट्रैफिक बहे इसके लिए जिम्मेदार है। फिर करेंसी कितना अच्छा हो, पंजाब अपनी करेंसी छापेगा, हरियाणा यूपी अपनी अपनी छापेगा, फिर पंजाब वाली करेंसी हरियाणा में लेकर के जाओ तो उसका रेट ही कुछ और चल रहा है, फिर आप उसे मनी चेंजर से कन्वर्ट कराते रहो। सोचो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो कितने सालों बाद अकल आई और पूरे यूरोप ने खुद को यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट किया और यूरो बनाया। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, आप कंसेप्ट देके गया था कि छोटे छोटे देशों में मत बढ़ जाना, एक ही करेंसी बनाना रूपी, वरना सबके अपने अपने होते तो लेके घूमते रहते इधर उधर दूसरे दूसरे राज्यों में। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बैंकिंग, बैंकिंग भी बहुत जरूरी है। अब एक स्टेट में एक ऐसा लॉ बना लिया बैंक को लेकर के कि कोई बात नहीं, बस चार साल पांच साल के लिए जम करके बिजनेसमैनों को लोन दो। बिजनेसमैनों को लोन दे दिया, सारा पैसा उड़ गया, बिजनेसमैनों ने वापस नहीं किया, जनता का सारा धन खत्म। और वहां की राज्य सरकार कहती है कि भाई हमारे पांच साल हमारे भी पूरे हो गए, हमारे भाई भतीजों के सारे बिजनेस थे उनके भी पूरे हो गए, अब जनता गई भाड़ में, तुम कर लो क्या करना है। चलो बैंकिंग तो हमारा सब्जेक्ट था ना, हमने अपनी विधानसभा में कर लिया जो करना था, यहाँ पे तो राज्यसभा जैसी कोई चीज भी नहीं थी, फिर तो हो गया काम लोगों का। और पता लगा हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के सारे लोग अब भिखारी हो गए क्योंकि उनका सारा बैंक पैसा बैंकों में गया था, सरकार ने कानून बना के सारा बिजनेसमैनों को दे दिया, बिजनेसमैन उन्हीं के भाई भतीजे थे, जैसे ही सरकार के पांच साल पूरे वो भी लेके उड़ गए, सारे साइड हो गए, और अब कोई लॉ ही नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट किसका है? स्टेट का। तो नॉट पॉसिबल डिफेंस, नॉट पॉसिबल, सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जिसमें ये चीजें अलाउड नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हमें डाइवर्सिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेशनल लेवल पर एक होमोजेनिटी भी मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कुछ इश्यूज हैं, यहां सबसे इंपॉर्टेंट इशू है एजुकेशन। हर राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ वो एजुकेशन किस तरह की लाना चाहता है। अभी परसों अमरिंदर सिंह हाथ में पुस्तक लेके बैठे थे, पर पंजाब का इतिहास का सिलेबस के बारे में सोचेंगे, तो इतिहास के सिलेबस के बारे में सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसके ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन अब पंजाब के इतिहास में वो ऐसी ऐसी चीजें डालनी शुरू कर दें जो लिटरली देश के सेंटीमेंट के विरुद्ध है, नॉट अलाउड। फिर केंद्र उसको पूछेगा कि बेटा ये क्या किया तुमने, ऐसा तो तुम कर नहीं सकते। फिर एक लॉ वो भी बनाएगा और फिर जहां पर दोनों का लॉ टकराएगा, ऐसे हालात में केंद्र का लॉ प्रिवेल कर जाएगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे सेंसस, जैसे एजुकेशन, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिजेस। अब मैरिज का एक लॉ बना दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, 9 साल की गुड़िया, 21 साल का बबुआ, इन दोनों की शादी होगी। अब तो 9-9 साल की गुड़िया पकड़े हुए बबुआ शादी कर रहे हैं, ऐसे में तो देश का हो गया काम, मतलब उस राज्य में तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। अब ऐसे में केंद्र कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट था, नहीं कॉन्करेंट है। ठीक है आपके अपने सोशल कस्टम कल्चर मैनर हैं, ठीक है आप सिख हो, आनंद कारज है, ठीक है आप कर लो है,
ठीक है, साउथ इंडिया है, ठीक है, उनके अपने कानून है, ईस्ट इंडिया है, उनका अपना कानून है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लड़की तो लड़की ही है ना, किसी भी राज्य की हो, लड़का तो लड़का ही है ना किसी भी राज्य का हो, लड़का मने 21, लड़की मने 18, इसके पहले कुछ नहीं। आई बात समझ में? और इसको मत चेंज कर देना, और अगर ऐसा तानाशाही कानून लाओगे तो केंद्र भी अपना ले आएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर खत्म।